अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक 20 जून के बाद स्वान वर्गोज के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज सक्सेसेस की बिग अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्टेड है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 11th एंगल पर 27 जून को सूरज के साथ परफॉर्म कर रहा होगा, तो आपका बेस्ट डे ऑफ जून 27th ऑफ जून से सो ऑन आगे बढ़ेगा। रूलिंग प्लैनेट जब भी कभी अच्छे एंगल्स पर आते हैं वर्गोस, उससे पहला फ़ायदा ये हुआ करता है कि आपकी नेचर में जो कमज़ोरियाँ थी आपकी अपनी ख़राबियों की वजह से, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस की वजह से, वो रिपेयर हो जाती। मान लें कि किसी ज़माने में किसी टाइम पर आप बहुत जीनियस हुआ करते थे, फिर कोई गम लाहक हो गया, ड्यू टू सम रीज़न आपने कुछ गलती कर दी और आप गमगीन रहने लगे, कोई वाक्य आपके साथ हो गया जिसकी वजह से आपको गम चिपक गए, कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से फाइनेंशियल अनस्टेबल हो गए, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए, बहुत सारा पैसा हाथ से निकल गया और कमर ही टूट गई, बहुत सारा टैलेंट आपका किसी वजह से ज़ाया हो गया कोई बुरी आदत की वजह से। जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल्स पर आते हैं, वो उन वीकनेसेस को बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहा, आप एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पाते, आप शाय हो गए हैं, आप अनकॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो दिस इज़ माय प्रेडिक्शन आफ्टर 27th ऑफ जून मरकरी और सन की कम्बिनेशन आपके अंदर की इन वीकनेसेस को रिपेयर करेगी। गलतियों से हुए नुकसान भी रिकवर होंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो बुरी आदतों की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं वो भी रिकवर होंगे, एंड इसके अलावा आपकी अपनी मैच्योरिटी में इजाफा होगा, आपकी संजीदगी में इजाफा होगा, आपको मिशन फुल तबीयत मिलेगी, तो आप उन चक्रों से बच सकेंगे जिसमें लापरवाही गलबा कर चुकी थी, आप उन चक्रों से बच जाएंगे जिसमें गम गलबा कर गए थे, आप उन चक्रों से बच जाएंगे जिसमें नाकामी ने आपको घेर लिया था। सन एंड मरकरी की कम्बिनेशन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है इन योर 11th एंगल। इससे जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, मतलब आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए जो कामयाबी हासिल करेंगे वो तो मस्ट मिलेगी इंशाल्लाह, बट ऐसी कामयाबियाँ जिसमें आप अपनी सलाहियतों के अलावा भी लोगों को आपके अपने साथ मर्ज करते हैं, अपने साथ मिलाकर किसी मिशन को पूरा करते हैं, एक टीम वर्क की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में, एक कम्युनिटी की सूरत में, दैट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड कि आप उसे लीड करेंगे एंड वो कामयाबियां भी आप हासिल कर सकेंगे।